आधी रात हो चुकी थी। तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था। इसी बीच उस सुनसान सड़क पर दौड़ती तेज रफ्तार कार उस तूफान को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उस कार की पिछली सीट पर बैठी पूजा घबराई हुई ड्राइविंग सीट की ओर देखे जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठी अंजलि पूरी रफ्तार से कार भगा रही थी। कार के विंडशील्ड पर तेज पानी की बौछार हो रही थी, जिससे विंडशील्ड धुंधली हो गई थी। धुंध के कारण सामने देख पाना नामुमकिन था। आखिर कुछ देखे बिना अंजलि कार कैसे चला सकती है? ये सवाल पूजा के मन में रह रहकर उठ रहा था। वो अंजलि को मिरर में देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ उसकी आंखें ही देख पा रही थी। वो आंखें अंजलि से बिल्कुल अलग थी, बड़ी ही भयानक, जिसे देखकर पूजा कांप उठी। अंजलि, प्लीज गाड़ी रोको, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? देखो अंजलि, इतनी रफ्तार से कार चलाना ठीक नहीं है, तेज बारिश हो रही है, तुमने वाइपर भी ऑन नहीं किया है, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। अंजलि, तुम सुन रही हो ना? पूजा अंजलि से सवाल पे सवाल किए जा रही थी, लेकिन अंजलि की तो जैसे कान में जूं तक नहीं रेंगी। वो बस चुपचाप बैठी कार चलाती रही। फिर अचानक अंजलि ने कार की ब्रेक लगाई। कार स्लिप करती हुई थोड़ी दूर जाकर रुक गई। अंजलि पूजा को एक सुनसान जगह पर ले आई थी, जहां दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं था। अंजलि झट से कार से बाहर निकल गई और पूजा की तरफ बढ़ने लगी। अंजलि के हाथ में एक गन थी। पूजा अंजलि के हाथ में गन देखकर बहुत घबरा गई। अंजलि, तुम्हारे पास ये गन कहां से आई? आखिर तुम्हें हो क्या गया है अंजलि? पूजा अंजलि के आगे गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अंजलि के सिर पे तो जैसे खून सवार था। उसने पूजा की तरफ गन तान दी। पूजा ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया कि आज उसका आखिरी दिन है। लेकिन तभी अंजलि की आंखों में आंसुओं की जैसे लहर दौड़ गई। वो रोते हुए बोली, पूजा, ये गन ले लो और मुझे मार डालो। किल मी पूजा, किल मी। ये सुनकर पूजा तंग रह गई। पूजा ने झट से अंजलि के हाथ से गन ले ली। अंजलि, तुम पागल हो गई हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? देखो, मैं ये गन दूर फेंकने वाली हूँ। नहीं पूजा, ऐसी गलती मत करना। देखो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे पहले कि वो चुड़ैल मुझ पर हावी हो जाए, मुझे मार डालो। पूजा, ये तुम क्या कह रही हो? अंजलि, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ घर चलो। पूजा अंजलि को समझाने लगी। तभी देखते ही देखते अंजलि के पैर उल्टे हो गए, उसके हाथ लंबे हो गए और चेहरा इतना भयानक हो गया कि उसे देखकर पूजा कांप उठी। उसने अपनी गन अंजलि की तरफ तान दी और लगातार 3 गोलियां उस पर फायर कर दी। अंजलि के पति श्रीधर एक पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। श्रीधर की मौत के बाद अंजलि को इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिले, जिससे उसने एक घर खरीदने की सोची, ताकि अपने बेटे राहुल की परवरिश अच्छे से कर सके। इस काम में उसकी फ्रेंड पूजा ने उसका साथ दिया। पूजा अंजलि को एक घर दिखाने ले गई, जो कि बहुत दिनों से बंद पड़ा था। वहां उन्हें उस घर का मालिक अशोक बाहर ही मिल गया। जी, क्या आप ही इस घर के मालिक हैं? देखिए, मैं आपका ये घर खरीदना चाहती हूँ। अशोक ने अंजलि को शक भरी निगाहों से देखा और कहा, क्या तुम्हारा कोई बच्चा है? अशोक की बात सुनकर अंजलि को आश्चर्य हुआ। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लगता है तुम इस घर के बारे में जानती नहीं हो। ये एक शापित घर है। आज से करीब 10 साल पहले इस घर में संजय और मधु नाम के पति पत्नी रहते थे। शादी के 3 साल बाद उन्हें एक बेटी हुई। मधु तो इस बात से बहुत खुश थी, लेकिन संजय को बेटी नहीं बल्कि एक बेटा चाहिए था। इसलिए संजय मधु और अपनी बेटी को छोड़कर चला गया। मधु को इस बात से बहुत बड़ा सदमा लगा। वो पागल सी हो गई।
और काले जादू और तंत्र विद्या से अपनी बेटी को बेटे में बदलने की कोशिश करने लगी। लेकिन इसी कोशिश में उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी और इस घर को शाप देकर खुद को फांसी पर चढ़ा लिया। मरने के बाद वो एक भयानक चुड़ैल में बदल गई और इस घर में भटकने लगी। उस दिन से अगर कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ यहाँ रहने आती है तो वो चुड़ैल माँ और बच्चे दोनों को खत्म कर देती है। इसलिए मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा है तो तुम ये घर बिल्कुल मत खरीदना। अशोक की बात सुनकर अंजलि घबरा गई। पूजा चल यहाँ से, मुझे ये घर नहीं चाहिए। मैं अपने पति को खो चुकी हूँ, अब अपने बच्चे को भी खोना नहीं चाहती। अरे क्या अंजलि, तुम भी ना मेरी बात मानो, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है। अरे चुड़ैल जैसी कोई चीज होती है क्या? चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती। देखो तुम्हें इतना सस्ता और अच्छा घर और कहीं नहीं मिलेगा। तुम इससे झूठ बोल दो कि तुम्हारा कोई बेटा नहीं है, फिर ये तुम्हें घर बेच देगा। समझी मेरी बात? अंजलि ने पूजा की बात मानकर घर खरीद लिया और अपने बेटे के साथ रहने लगी। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा। अब अंजलि को भी लगने लगा कि घर के मालिक ने जो कहानी सुनाई थी वो सिर्फ मनगढ़ंत है, इसलिए वो बेफिक्र होकर रहने लगी। लेकिन अंजलि की ये बेफिक्री ज्यादा समय तक नहीं रह पाई। जब एक शाम राहुल खेलते खेलते उस कमरे तक पहुंच गया जो कि कई सालों से बंद पड़ा था। घर इतना बड़ा था कि अंजलि को साफ सफाई करना मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने उस कमरे को बंद ही रहने दिया था। लेकिन राहुल उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, हर तरफ धूल जमी हुई थी और मकड़ी के जाले लटके हुए थे। लेकिन वो डरा नहीं और धीरे धीरे अंदर जाने लगा। चलते चलते उसके सिर से कुछ टकराया, वो किसी के पैर जैसा लग रहा था। जब राहुल ने ऊपर देखा तो ऊपर एक चुड़ैल फांसी से लटक रही थी। राहुल उसे देख बहुत ज्यादा डर गया। तभी वो चुड़ैल नीचे कूद पड़ी और जमीन में रेंगते हुए राहुल का पीछा करने लगी। राहुल जितनी तेज हो सके वहां से भागा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तभी अंजलि ने राहुल को आवाज लगाई। राहुल बेटा चलो जल्दी आओ, सोने का समय हो गया है। राहुल वहां से चला गया। वो सारी बात अपनी माँ को बताना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसकी माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी, इसलिए राहुल चुप रहा। फिर आधी रात हो गई, यही कुछ 2:30 बज रहे होंगे। अंजलि अपने बेटे के साथ सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अचानक अंजलि के कानों में कुछ शोर सुनाई देने लगा। वो शोर लगातार चलती गाड़ियों का था। अंजलि की मुस्कान चिंता में बदल गई। वो घबराई हुई अचानक उठ गई। आंख खुलते ही उसने जो देखा उससे तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अंजलि अपने घर से बाहर सड़क के किनारे पर थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। वो बस उठी और अपने घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर वो अपने बेडरूम में गई। जब वो अंदर पहुंची तो उसने उस भयानक चुड़ैल को अपने बेटे के पास खड़े हुए देखा। उस चुड़ैल ने जैसे ही राहुल की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, अंजलि तुरंत अपने बेटे को बचाने भागी। लेकिन वो चुड़ैल राहुल के बेड के नीचे छुप गई। अंजलि घबराई हुई बेड के नीचे झांकने लगी। वो चुड़ैल बेड के नीचे से रेंगती हुई अंजलि की तरफ आई और उसके शरीर में समा गई। अंजलि पूरी तरह से अपना होश खो बैठी। वो चुड़ैल उस पर हावी हो गई। अंजलि अपने बेटे को घूरने लगी। वो कहीं से एक धारदार चाकू ले आई और जैसे ही अपने बेटे को मारने वाली थी तभी राहुल नींद से जाग गया। माँ क्या हुआ, आपके हाथ में ये चाकू क्यों है? अपने बेटे की आवाज सुनकर अंजलि होश में आ गई। अपने हालात देखकर उसे समझ आ गया कि अशोक की कही बात बिल्कुल सच है। वो चुड़ैल उस पर हावी होकर उससे अपने ही बच्चे को मरवाना चाहती है। अंजलि ने अपने हाथ से चाकू नीचे फेंक दिया और दौड़ती कार की तरफ भागी। उसने अपना फोन निकाला और पूजा को कॉल किया और वो पूजा को लेकर सुनसान रास्ते पर आ गई। अभी अभी पूजा ने अंजलि के सिर पर 3 गोलियां फायर कर दी, लेकिन चुड़ैल बन चुकी अंजलि पर जैसे गोलियों का कोई असर ही नहीं हुआ। वो पूजा की तरफ बढ़ी और उसे मौत के घाट उतार दिया। फिर वो चुड़ैल अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद पुलिस ने अंजलि के घर की छानबीन की। उन्हें
अंजलि के घर से उसके बेटे राहुल की लाश मिली और अंदर कमरे में अंजलि फांसी से लटकती हुई मिली। अंजलि और राहुल की मौत हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। मंटू आज बहुत खुश था। आज उसकी शादी जो थी। माँ, आज जितना काम करना है कर लो, कल से तुम्हें एक काम न करने दूंगा। तो बेटा, क्या तेरी शहरी दुल्हन काम करेगी? हाँ, क्यों नहीं करेगी। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी पहले ही बहुत तपस्या कर ली। अब शादी के बाद आप शहर चल के हमारे साथ रहोगे और आप कोई भी काम नहीं करोगे। बेटा, तूने इतना कह दिया, यही बहुत है। तू जा और अपनी नई जिंदगी खुशी खुशी जी। कहाँ मुझ बुढ़िया के चक्कर में रहेगा। मैं यही इस कोठी में तेरे पापा की यादों के साथ रह लूंगी। अब जा, बहू तेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर माँ मंटू की बलाएं लेने लगती है और उसको उसके कमरे के बाहर छोड़ के आती है। मंटू एक्साइटेड होकर रूम में चला जाता है। अंदर जाते ही बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं, पर्दे उड़ने लगते हैं, दुल्हन की आंखों का कलर बदल जाता है, उसके चेहरे का रंग बदल जाता है और वो मंटू पर अटैक कर देती है। दूसरे दिन सुबह जब माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है मंटू मरा पड़ा हुआ है और बहू के हाथों में खून लगा है और दूर एक दिल पड़ा हुआ है। तूने मेरे बेटे को मार दिया। नहीं माँ जी, मैंने नहीं मारा। तो क्या रात में भूत आया था? माँ जी, मुझे कुछ याद नहीं। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। मंटू की माँ बहू की तरफ इशारा करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरे बेटे को मार दिया। आप आराम से मुझे बताएं हुआ क्या है। कल मेरे बेटे की शादी हुई थी और इनकी सुहागरात थी और मेरे बेटे का खून हो गया, इसी ने मेरे बेटे को मारा है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं मारा, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। मैं तो मंटू से प्यार करती थी, मैं भला उसे क्यों मारूंगी। मैं भी तो बाहर वाले रूम में थी, कोई बाहर से आया ही नहीं, तो क्या भूत मार गया मेरे बेटे को। ये आपका जो केस है, इस तरह के पहले 5 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। हो सकता है आपकी बहू सही कह रही हो। मुझे नहीं पता कौन सही कौन गलत कह रहा है, मुझे मेरे बेटे का कातिल चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए, हमें इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। सर, ये बिल्कुल उसी क्राइम सीन की तरह है जो हमने लास्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन किया था ना। हाँ, देख लो कुछ एक्स्ट्रा एविडेंस मिल जाए तो। वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशन करके वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। सर, मैंने बॉडी को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। ओके, पहले भी सारे फिंगरप्रिंट्स जो आए हैं वो दुल्हनों के ही थे और दुल्हनों को कुछ याद नहीं था। हाँ सर, 5 में से किसी दुल्हन को कुछ भी याद नहीं, कहीं कोई और चोर नजर नहीं आ रहा इस केस का। सर, इनोसेंट लोगों की जान चली गई है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है और डर भी। अरविंद, ये 5वां केस है। अगर अब भी हम तय तक नहीं पहुंचे तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी होगी। सर, गांव में हल्ला है कि ये किसी भूत का काम है। ऐसा नहीं हो सकता। पर सर, आप भी सोचिए ना कि इतने दिनों में हमें इस केस का कोई लिंक क्यों नहीं मिल पा रहा। तुम किस बुनियाद पे बात कर रहे हो? सर, हर बार सुहागरात वाले दिन ही दूल्हा मर रहा है। सारे सबूत कहते हैं कि दुल्हन ही मर रहे, पर दुल्हन को कुछ याद नहीं रहता। आश्चर्य की बात तो है कि मंटू की दुल्हन हो या बाकी दुल्हन, इतनी आसानी से दुल्हनों को पटक कर बिना किसी औजार के उसके सीने से दिल निकाल लेना। इतनी ताकत उसमें कहां से आ जाती है? और नाखून इतने खतरनाक हो जाते हैं क्या? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है, उसे देखते हुए वो लोग बातें करते हैं। जैसा सोचा था वही आया।
ये खून भी दुल्हन के हाथों से ही हुआ है। अच्छा सुनो, पता करो गांव में अगली शादी किसकी है। सर, अगली शादी तो 15 दिन बाद आपकी है, उससे पहले किसी और की तो नहीं है। सब लोग डर रहे हैं, अभी सैटरडे को एक की थी, उसने कैंसिल कर दिया, अब तो आप ही की होगी। चलो अच्छा है, मेरी शादी में अब इस केस का रिजल्ट पता चलेगा। सर आप कैसी बात कर रहे हो, आपको पता है ना कि आप मर भी सकते हो। अरे इतने इनोसेंट लोग मर रहे हैं, किसी को तो बलि का बकरा बनना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। इंस्पेक्टर अरविंद को सारी प्लानिंग समझाता है, दोनों बात करते हैं और फिर 15 दिनों के बाद इंस्पेक्टर विवेक और अवनी की शादी की तैयारी हो रही है। इंस्पेक्टर के घर में फूल पत्तियों के डेकोरेशन के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और इंस्पेक्टर के बेडरूम को अच्छे से सजाया जाता है। शादी के बाद जब वक्त आता है सुहागरात का, तब इंस्पेक्टर बड़ी हिम्मत करके आगे बढ़ता है। प्लानिंग के अकॉर्डिंग पुलिस फोर्स बाहर खड़ी रहती है, अरविंद भी अपने कुछ कलीग के साथ रूम के दरवाजे पर खड़ा रहता है, वो लोग सीसीटीवी कैमरे पर भी नजर रखे होते हैं। जैसे इंस्पेक्टर अंदर जाता है वैसे ही डरावना माहौल बन जाता है, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है, आंधी तूफान आ जाता है, दुल्हन की आंखें काली हो जाती है और उसकी स्किन का कलर काला होने लगता है। इतनी सुंदर लड़की किसी चुड़ैल की तरह दिखने लग जाती है। अवनी, आने में बड़ी देर लगा दी। विवेक जो अभी तक भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं करता था, ये देखकर बहुत डर गया, इतना घबरा गया कि वो अपने कलीग्स को इन्फॉर्म करना ही भूल गया। अब अवनी उठकर उसकी तरफ बढ़ती है। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए। डार्लिंग, वो तो तुम्हारा ही है। नहीं, मेरा नहीं है। तुमने तो 2 साल पहले ही मेरा दिल चुरा लिया था। नहीं, मेरे पास दिल नहीं है, मुझे दिल चाहिए। अभी तक किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हो पाया है। इतना कहकर वो विवेक पर कूद जाती है, उसे जमीन पर पटक कर उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके सीने पर मारने लगती है। आज ये दिल मेरे सीने में लग जाए, बस फिर मैं वापस पूरी हो जाऊंगी। मुझे ऐसे मार के तुम्हें दिल क्यों चाहिए? मैं तुम्हारी पसलियां तोड़ दूंगी और फिर दिल निकाल लूंगी। इसी बीच किसी तरह से विवेक अपने सहयोगियों को मैसेज भेजने में सफल हो जाता है। वो लोग दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अवनी को विवेक से अलग करके सोफे पर बांध के बिठा देते हैं। चलो अब आराम से बात करते हैं। तुम सब एक जैसे हो, बात करने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरा दिल क्यों चाहिए था? बाकियों को भी तुमने इसीलिए मारा क्या? तो दिल तो तुमने सबका उनकी लाश के साथ ही छोड़ दिया। किसी का दिल मेरे सीने में फिट नहीं हुआ। तुम्हारा दिल कहाँ है? मेरे पति ने सुहाग रात वाले दिन मेरे सीने से दिल निकाल कर फेंक दिया था। तो तुम उसके किए की सजा दूसरों को क्यों दे रही हो? मुझे सारे दिलों में वही दिखाई देता है। तुम क्या चाहती हो? मुझे न्याय चाहिए। उसने शादी करके मुझे मार दिया, मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम शांत हो जाओ पहले। उसने मेरी जिंदगी छीन ली, मैं शांत रहूं? उसने मुझे पहले मारा, फिर मुझे अपने घर के पीछे बगीचे में दफना दिया और मेरे घर वालों से आज भी पैसे मांगता है, उन्हें परेशान करता है। क्या नाम है उसका जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया? जैसे ही अपनी आगे कुछ बोलती,
उससे पहले अरविंद पुलिस फोर्स को साइड हटाते हुए आगे चला। हटो हटो, मुझे देखने दो। अरविंद, अच्छा तो तुम आए गए मेरे पास। तू एक आत्मा है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास अग्नि का शरीर है और मेरी ताकत, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरविंद अपना पिस्टल निकाल लेता है। सब लोगों के सामने विवेक को गन पॉइंट पर रखकर बोलता है, बंद करो ये बकवास, इस इन्वेस्टिगेशन को यहीं रोक दो, अब इस केस को तांत्रिक बाबा ही सुलझा सकते हैं। तभी अपनी अपनी सारी रस्सियों को तोड़कर उड़ के आकर अरविंद पर कूद जाती है और जमीन पर लिटाकर मार मार कर उसके सीने से दिल निकाल लेती है और उसको अपने सीने से लगाते हुए खूब जोर से हंसती है और फिर बेहोश हो जाती है। दरअसल अरविंद ही उस आत्मा का पति था। विवेक अपने सहयोगियों के साथ उस बगीचे में जाता है जो उस आत्मा ने बताया था। पुलिस जब चेक करती है तो वहां उन्हें जमीन खोदने पर एक मानव कंकाल मिल जाता है। वो उसे निकलवा लेता है और सम्मान पूर्वक उसका अंतिम संस्कार करवाता है। तब जाकर उस आत्मा को शांति मिल जाती है और गांव में फिर कभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता है। खुशबू ने कुछ ही दिनों पहले कॉलेज ज्वाइन किया था। वो बेहद खूबसूरत थी। कॉलेज में हर कोई उसकी खूबसूरती पर कायल था। मैडम, कॉलेज में आते ही अपना जादू चला दिया, देख सबकी नजर तुझ पर ही है। खुशबू अपना फोन चेक करती है तो उसमें रोहित की रिक्वेस्ट आई होती है। खुशबू खुश होकर अपने दोस्तों के साथ शो ऑफ करने लगती है। गेस व्हाट, मुझे रोहित की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। तो बोलो क्या करूं, अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूं या थोड़ा तड़पने दूं उसे? क्या, रोहित की रिक्वेस्ट? तू तो बड़ी लकी है यार, बड़ा ही हैंडसम है वो तो। तभी उसकी सीनियर सोनिया वहां आ जाती है और रोहित का नाम सुनकर घबरा जाती है। क्या, तुझे रोहित की रिक्वेस्ट आई है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, जितना हो सके उससे दूर ही रहना खुशबू। लेकिन क्यों? मेरी मानो खुशबू, रोहित को भूल जाओ, वरना जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। प्लीज मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। सोनिया वहाँ से चली जाती है। लोग भी ना कितने जलनखोर होते हैं। खुशबू सोनिया की बात को नजरअंदाज करके रोहित की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ देर बाद रोहित खुशबू के सामने जाता हुआ उसकी तरफ मुस्कुराता है और वो रोहित की तरफ देखकर मुस्कुराती है। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूर से उन दोनों को कोई देख रहा होता है। खुशबू हॉस्टल के कमरे में रोहित से बातें कर रही होती है और तभी कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। उसी रात हॉस्टल में खुशबू के कमरे के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। खुशबू नींद से उठती है। अब इतनी रात कौन हो सकता है? वो दरवाजा खोलती है तो वहां कोई नहीं होता, बिल्कुल सन्नाटा होता है। वो दरवाजा बंद करके फिर से सोने जा रही होती है कि उसके कान के पास आकर कोई उसका नाम पुकारता है, खुशबू। कौन है? वो आवाज सुनकर बुरी तरह डर जाती है। कमरे में चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं होता। अचानक उसके बाल उड़ने लगते हैं, मानो किसी ने उसके बालों में फूंक मारी हो। घबराकर दरवाजा खोलने के लिए भागती है। तभी एक लंबा हाथ उसकी तरफ बढ़ता है और उसका पैर पकड़ लेता है जिससे वो गिर जाती है और उसका सर टेबल से टकरा जाता है। कौन है? कौन है वहाँ? देखो मुझसे मजाक मत करो, मैं कॉलेज में कंप्लेन कर दूंगी। उसके बाजुओं में अचानक से खरोंच के निशान आ जाते हैं। खुशबू दर्द से चीख उठती है, वो दर्द से करा रही होती है। तभी एक भयानक आत्मा उसके सामने आती है। खुशबू के उस आत्मा को देखकर होश उड़ जाते हैं। वो जमीन पर खिसटकर भागने की कोशिश करती है। तभी आत्मा अपने हाथ को लंबा करती है
और खुशबू के बाल को पकड़कर ऊपर उसे उठाती है और उसे बुरी तरह मारती है। खुशबू दर्द में चिल्ला रही होती है पर हॉस्टल में किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड है ना तुझे? अब मैं ये तेरा चेहरा ही खराब कर दूंगी जिससे रोहित तुझे नफरत करने लगे। वो आत्मा खुशबू के चेहरे को अपने बड़े नाखूनों से नोच देती है। खुशबू बेहोश हो जाती है। अगली सुबह नेहा और बाकी बच्चे और कॉलेज के हेडमास्टर वहां आ जाते हैं और उसे देखकर घबरा जाते हैं। खुशबू होश में आ जाती है पर वो पूरी तरह कांप रही होती है। उसकी आंखों से वो भयानक आत्मा का चेहरा नहीं जा रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मैंने तो पहले ही कहा था रोहित से दूर रहने को, देखो क्या हो गया। नेहा खुशबू की ऐसी हालत देखकर गुस्से में रोहित के पास जाती है। क्या किया तुमने मेरी दोस्त के साथ? तुमसे ही उसने बात की थी ना रात को? मैं जानती हूँ उसी के बाद ये सब हुआ है। क्या खुशबू के साथ भी? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। रोहित घबरा कर वहाँ से चला जाता है। नेहा सोनिया से जाकर पूछती है तो सोनिया उसे बताती है। आज से एक साल पहले रेवा नाम की एक लड़की ने कॉलेज ज्वाइन किया था। वह बड़ा ही अजीब सा व्यवहार करती थी, किसी से बात नहीं करती थी। उसे अपने लुक्स को लेकर भी बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता था। हमेशा अपने को शीशे में देखकर गुस्सा हो जाती। एक दिन उसकी मुलाकात रोहित से हुई। वह रोहित को पसंद करने लगी पर रोहित तो उसे नोटिस भी नहीं करता था। एक दिन हिम्मत करके उसने रोहित को अपने दिल की बात बताई तो रोहित ने सबके सामने उसे मना कर दिया। आशा से प्यार करता हूँ, सॉरी। रेवा ये बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद की कलाई काट लेती है। अगले दिन उसकी लाश के साथ दीवार पर खून से लिखा होता है कि रोहित सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। उसी रात रेवा ने अपना पहला शिकार आशा को बनाया। उसके दरवाजे पर भी रेवा ने दस्तक दी। कौन है दरवाजे पर? लगता है रोहित है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला खून में लिपटी रेवा उसके सामने खड़ी थी। आशा के रेवा की आत्मा को देखकर होश उड़ गए। कौन हो तुम? मेरे रोहित को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। आत्मा आशा का सर दीवार से पटकती है और उसे घसीटते हुए छत पर ले जाती है। आशा आत्मा की डर से अपने आप ही छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। जब से रोहित से जो भी लड़की प्यार करती है रेवा या तो उसे मार डालती है या फिर उसका खुशबू जैसा हाल कर देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये आत्मा ऐसे ही सबकी जान लेती रहेगी। सोनिया, क्या रेवा को मुक्त करने का कोई उपाय नहीं है? मेरे पिताजी के एक दोस्त हैं वेद जी, बड़े ही ज्ञानी हैं। उन्होंने एक उपाय बताया था कि रेवा की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी पर उसके लिए उसे बुलाना जरूरी है। पर इसके लिए कौन अपनी जान खतरे में डालना चाहेगा, इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई है। मैं बुलाऊंगी रेवा की आत्मा को, मैं अपनी दोस्त खुशबू का बदला लूंगी। तुम मुझे वो उपाय बताओ सोनिया। हमें उस आत्मा को अपने जाल में फंसाना होगा और किसी तरह रोहित को ही उसके गले में मंत्र माला डालनी होगी, तभी उसे मुक्ति मिल पाएगी। पर क्या रोहित इस बात के लिए तैयार होगा? मैं अभी उससे बात करती हूँ, वो जरूर मेरी बात समझेगा। नेहा रोहित को फोन पर सब समझाती है। मैं तैयार हूँ नेहा, तुम बताओ मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। नेहा वेद जी से मंत्र माला लेने जाती है। याद रखना बेटी, इस रोहित को ही ये माला उस आत्मा के गले में पहनानी होगी, तभी उस लड़की की आत्मा को शांति मिलेगी। और हाँ, आज तुम लोग कामयाब नहीं हुए तो फिर उस आत्मा की शक्तियां और बढ़ जाएंगी और कोई भी आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी, हम पूरी कोशिश करेंगे।
अगले दिन कॉलेज में नेहा रोहित से प्यार भरी बातें कर रही होती है और रीवा की आत्मा गुस्से से उसे देख रही होती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। रात का वक्त है, नेहा रात में अपने कमरे में जाती है और रीवा का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके सामने वाली खिड़की टूट जाती है और रीवा की आत्मा नेहा के सामने आ जाती है और आत्मा गुस्से से तिलमिलाई होती है। उसकी लाल आंखों से खून टपक रहा होता है। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे रोहित के करीब जाएगी? तुझे तो मैं ऐसी मौत दूंगी कि कॉलेज की कोई भी लड़की रोहित के पास नहीं बैठेगी। आत्मा अपना विकराल रूप ले लेती है। नेहा उससे बचकर कमरे से भागती है पर वो आत्मा उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। नेहा का दम घुटने लगता है। नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार डालूंगी। जो भी मेरे और रोहित के बीच आएगा सबको मार डालूंगी। लेकिन तभी पर्दे के पीछे छुपा रोहित बाहर निकलता है और रीवा के गले में मंत्र माला डाल देता है और वो आत्मा चीखती हुई भस्म हो जाती है। थैंक यू रोहित, तुम्हारे कारण रीवा को मुक्ति मिली है। तुमने हिम्मत ना दी होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाता। तुमने मुझे भी रीवा से मुक्ति दिलाई है। रीवा की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है और कॉलेज और रोहित को आजादी मिल जाती है।